मैं सुबह 6 बजे से निकल जाता हूँ, जो 8 महीने में टीकाकरण करने का काम किया है, क्योंकि पोलियो और चेचक के टीके 20-20 साल में भी नहीं बन पाए थे, तो नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस देश के सभी वैज्ञानिकों ने 8 महीने में टीका बना करके आम जन को सुरक्षित करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं द खबरनाथ न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं इस बार भाजपा के प्रत्याशी अनिल जैन जी कालूहेड़ा, जो कि जनता के काफ़ी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। वो जनता के बीच जाकर आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और इनकी जमीनी हकीकत, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और आज भी आपने देखा होगा, अभी आए गाड़ी से आए, 2-व्हीलर से, ना कि 4-व्हीलर से आके सिर्फ जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है जमीन के नेता और इनको भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इनके वादे रहेंगे, क्या योजनाएं रहेगी जनता के लिए। सर, एक तो केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में आपकी, यहाँ भी आपकी रही है। मैं सबसे पहले आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन में विकास के बहुत काम हो रहे हैं। उन्हीं विकास को काम को आगे बढ़ाने का काम हम सब जनप्रतिनिधियों का है। उज्जैन में इतने चौमुखी विकास हुए हैं कि पहले उज्जैन में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, 10,000, 5,000, 2,000, परंतु यहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कि परिणति ये हुई है कि बाबा महाकाल की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की क्रियाशीलता के कारण यहाँ पर महाकाल लोक का निर्माण हुआ है और उसके कारण से यहाँ पर चौमुखी चारों तरफ विकास हुआ है। विपक्ष लगातार कुछ मुद्दों को लेकर बताता आ रहा है, विरोध करता आ रहा है महाकाल लोक के मुद्दे, और वही मुद्दे यहाँ पर आता को बताता है। विपक्ष का काम है विरोध करना, क्योंकि वो उनकी पार्टी को नहीं ठीक प्रकार से जो काम नहीं कर पा रहे, तो वो चूँकि काम नहीं कर पा रहे। कल अमित शाह जी आए थे, काफ़ी जन समर्थन मिला है, आशीर्वाद आपको भी मिला है, आप भी साथ में थे। अमित शाह जी के आने से कितना आपको और पावर मिलेगा? सचमुच बहुत लाभ मिलेगा। हमारे नेता पधार है और हमारे नेता के कारण हमारे कार्यकर्ता तो बूस्टअप हुए हैं, आम जन में भी, जो हमारे केंद्र की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय शिवराज सिंह जी की योजनाएं और उनका जो देशव्यापी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देशव्यापी सम्मान कोरोना काल में जो मिला है, और कोरोना काल में आम जन को जो साहस और संबल बनाने का काम के साथ साथ जो 8 महीने में टीकाकरण करने का काम किया है, क्योंकि पोलियो और चेचक के टीके 20-20 साल में भी नहीं बन पाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस देश के सभी वैज्ञानिकों ने 8 महीने में टीका बना करके आम जन को सुरक्षित करने का काम किया। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी सुबह 9 बजे आपने अभी मंदिर दर्शन किए हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है और अभी से आप जनसंपर्क के लिए निकल जाएंगे। माता बहनें आपका इंतजार करती है गेट पर खड़ा होकर, हमने देखा है। मैं किस प्रकार का जनसमर्थन और मिल रहा है? मैं सुबह 6 बजे से निकल जाता हूँ, कुछ प्रमुख और सभी, चूँकि खेल जगत के प्रमुख हो, चिकित्सा जगत के प्रमुख हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पुजारी क्षेत्र के प्रमुख हो, धार्मिक क्षेत्र के प्रमुख हो, कुल मिला के सभी प्रमुखों से हमारे साथ मौजूद थे उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन जी कालूहेड़ा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, के लिए नीलेश मालवीय की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ राइसलेट महेश्वरी जी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।